तुम लोग को समझ में आ रहा है बेटा? बढ़ा रहे हो सेंटर मार्क्स, टफ लग रहा है, आसान सेंटर मार्क्स। चले बेटा, हम लोग क्या पढ़ लिए थे? आप दोनों आदमी जाके या तीनों आदमी जाके एगो मेंस का किताब जाके खरीद लीजिए, उसको बनाइए आप लोग, आप दोनों आदमी, ठीक है? और तुम और टाइम हमसे लेना चाहो तो 6 बजे 7 बजे के बाद और टाइम आके बैठो, यहीं पे पढ़ो। हाँ 6 बजे 7 बजे, हाँ 6 बजे के बाद, हाँ अगर टाइम है तो आके बैठो। क्या ट्वेल्थ को पूरा निपटा दो, मतलब आप समझिए ना कि 50-60% क्वेश्चन आपको ट्वेल्थ से आ जाएगा, इलेवन से आएगा, हाँ 40। हाँ चूँकि उसमें कहता है कि ट्वेल्थ में भी इलेवंथ का कॉन्सेप्ट यूज हो जाता है, नहीं तो उसको भी इलेवंथ में जोड़ेगा तो नहीं है, लेकिन अगर ट्वेल्थ आप कायदे से कीजिएगा तब का हो जाएगा, नहीं तो बाकी इलेवंथ में तो कुछ किए ही हुए हैं, और नहीं होगा तो उधर जो है SHM रुका हुआ था ना, अंदर SHM को घीच देते हैं, 11th वाला, 12th वाला, हाँ तो 12th वाला बनाओ। अच्छा क्वेश्चन का रिवीजन ना, तो क्वेश्चन का रिवीजन, नया क्वेश्चन बनाएंगे उसको, नया क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें रिवीजन क्या, हाँ बनाएंगे, दिक्कत होगा वो सॉल्व कर रहे हैं उसको अपन, कहाँ कहाँ। अच्छा बेटा चलो यहाँ ध्यान से देख, हम लोग पढ़े थे सेंटर ऑफ मास, क्या पढ़े थे बेटा? हाँ हेडिंग तो हम लोग का सेंटर ऑफ मास ही है बेटा। अभी सेंटर ऑफ मास में हम लोग पढ़ने के वाले हैं, ध्यान से देख, आज पढ़ने वाले हम लोग ट्रॉली प्रॉब्लम, क्या पढ़ने वाले बेटा? ट्रॉली प्रॉब्लम। ट्रॉली प्रॉब्लम क्या होता है ध्यान से देखेंगे, कहता है क्या कि जैसे मान लो, ध्यान समझना, पहले कॉन्सेप्ट ले ले इसका, कॉन्सेप्ट ले लो, कॉन्सेप्ट, वो ज़्यादा इंक हो गया, कॉन्सेप्ट ले ले, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, यहाँ ध्यान से देख, मान लो कि ये ट्रॉली है, क्या बेटा? ट्रॉली है, और ये हमारी सरफेस हो गई है ना। अब इस ट्रॉली पे एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, और ट्रॉली की अपनी कुछ रफ्तार है, कुछ भी ट्रॉली अपनी रफ्तार से जा रही है, या ट्रॉली रेस्ट में है, उसे कोई लेना देना नहीं, रहेगी तो इनिशियल मोमेंटम रहेगा, नहीं रहेगी तो इनिशियल मोमेंटम नहीं रहेगा, जीरो, नहीं रफ्तार रहेगी तो इनिशियल मोमेंटम रहेगा, नहीं रफ्तार रहेगी तो इनिशियल मोमेंटम जीरो कर लेंगे, क्या करें। अब तो सोच, कह रहे क्या कि साहब मान लो कि इस ट्रॉली का मास है कैपिटल M और इस आदमी की मास है स्मॉल M, बोलो कोई दिक्कत? कहते हैं क्या कि साहब ट्रॉली अभी जा रही है, कोई भी भीड़ रफ्तार से जा रही है या रेस्ट में भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कह रहे कि अगर ट्रॉली भीड़ रफ्तार से जा रही है और ये आदमी क्या करता है, यहाँ से जंप करता है, क्या करता है बेटा? ट्रॉली पर से कूदता है, चलती ट्रॉली पर से या रुके हुए ट्रॉली पर से कूदता है, तो ये जब यहाँ से जंप करेगा, क्या करेगा बेटा? जंप करेगा, तो जंप करने के बाद इस ट्रॉली की रफ्तार कितनी हो जाएगी, जंप करने के बाद इस ट्रॉली की रफ्तार कितनी हो जाएगी, ऐसे टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है? तो ध्यान से देख, कहते हैं क्या कि जब आदमी जंप करेगा,
जब आदमी जंप करेगा तो हम ट्रॉली को पीछे की ओर धक्का देंगे। हम ट्रॉली कहाँ देंगे धक्का देते हैं, पीछे की ओर धक्का देते हैं। तो ट्रॉली भी हमको क्या करता है, उतना ही धक्का देता है। नेट फोर्स जीरो, अरे याद कर, नेट फोर्स जीरो। जितना हमने ट्रॉली को धक्का मारा, क्या ट्रॉली भी हमको उतना ही धक्का मार दिया? अरे हम ऐसे चलते हैं तो हम जमीन को पुश करते हैं तो जमीन भी हमको पुश करते, तभी हम आगे की ओर बढ़ पाते हैं, बोलना पड़ेगा। अब कहते हैं क्या इसका मतलब क्या है कि साहब जब हम धक्का दे देंगे तो यहाँ पे मान लो कि ये आदमी कूदा है किसी रफ्तार से, ये आदमी कूदा मान लो कि भी रफ्तार से, इसको यू नॉट मान लो और इसको यू रफ्तार मान लो, कोई दिक्कत? अब कहते हैं क्या कि जब आदमी कूदा तो वेन अ मैन जंप, वेन अ मैन, ध्यान समझना, वेन अ मैन जंप, जब आदमी कूदता है तो कूदने का क्या कंडीशन होता है? तो कूदा तो कूदेगा दो तरीके से। कहते हैं कि आदमी कूदा वी वेलोसिटी से, आदमी कूदा वी वेलोसिटी से, तब ये कूदेगा भी दो तरीके से कूदेगा। क्वेश्चन में देगा आपको पहला, एक बहुत जगह क्लियरली नहीं मेंशन रहेगा है ना, लेकिन बहुत जगह क्वेश्चन अच्छा रहेगा तो वहां पे क्लियरली मेंशन आपको करेगा। क्लियरली मेंशन क्या करेगा कि साहब जो आदमी कूदा ये है वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन जस्ट बिफोर जंप और एक जो वेलोसिटी यहां पे ये देगा वो देगा वेलोसिटी ऑफ मैन जस्ट आफ्टर जंप। ठीक है, और दूसरा तरीका से दे सकते हैं कि व्हेन मैन जंप, व्हेन जब आदमी जंप करेगा तो ये देगा अकेला विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ या ग्राउंड। आदमी कूदेगा तो तीन तरीके से कूद सकता है। आदमी कूदा तो कूदने का कुछ रफ्तार दिया कि साहब आदमी 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से कूदा, तो ये 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार जो है ये रिलेटिव वेलोसिटी होगा। किसके रिस्पेक्ट में, जैसे हम चलते हैं तो हम बोलते हैं सर 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रहे हैं, इसका मतलब ये किसके रफ्तार से दिया हुआ है, अर्थ फ्रेम से दिया रहता है। तो वैसे यहाँ पे जो आदमी कूदा ये तो चलती गाड़ी से कूद रहा है, अरे हनंद बोल, तो चलती गाड़ी से कूदा तो ये जो वेलोसिटी 5 मीटर प्रति सेकंड दी गई ये किसके रिस्पेक्ट में दी गई, मतलब ये वेलोसिटी ऑफ मैन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है, अगर मान लो कि 5 मीटर प्रति सेकंड हम बोल रहे हैं तो ये किसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है इसके बारे में हमको सोचना पड़ेगा। तो सोचना पड़ेगा तो यहाँ ध्यान से देख, एक तो देगा कि वेन मैन जंप जब आदमी कूदता है तो कूदेगा किसके रिस्पेक्ट में, तो विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ फ्रेम है ना, तो मान लो कि वो अर्थ फ्रेम से दिया हुआ है तो वही हो जाएगी वी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द मैन चाहिए हमको, तो ये एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द मैन दे देगा। अरे हाँ ना, तो बोल, जब आप मोमेंटम लिखेगा तो मोमेंटम किसी पार्टिकल का लिखेगा तो एम इन टू वी लिखेगा, और वहां पे जो वी लिखेगा वो हमेशा अर्थ फ्रेम से होना चाहिए। किस फ्रेम से होना चाहिए बेटा, अर्थ फ्रेम से होना चाहिए। तो ये तो अर्थ फ्रेम से दिया है तो हम आप इस आदमी का भी मोमेंटम लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर ये वेलोसिटी दे दिया, क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन कहा कि मैन जंप विथ ए स्पीड 5 मीटर पर सेकंड जस्ट आफ्टर द जंप, अरे यार क्या दिया, जस्ट आफ्टर द जंप, या अ मैन जंप्स विद ए स्पीड 5 मीटर पर सेकंड जस्ट आफ्टर द जंप, जस्ट बिफोर द जंप, जस्ट बिफोर द जंप। तो यहाँ पे दो कंडीशन आते हैं वेलोसिटी के, इन चीजों को बारीकी से समझिएगा क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो कहता है क्या कि व्हेन अ मैन जंप, जब आदमी कूदता है तो कूदेगा कैसे, कि वेलोसिटी ऑफ, उसमें दिया हुआ है जो आदमी को जो कूद रहा है जिस वेलोसिटी से कूद रहा है वो दिया है, उसके बारे में बता रहा है कि वेलोसिटी ऑफ मैन जस्ट बिफोर जंप, मतलब कूदने के पहले उसकी रफ्तार क्या थी। तो कूदने के पहले इसकी रफ्तार क्या थी जो भी आपने दिया होगा, अरे हाँ ना बोल, तो कूदने के पहले रफ्तार किसी के रिस्पेक्ट में दिया है, किसके रिस्पेक्ट में, ट्रॉली के रिस्पेक्ट में दिया है। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ मैन जस्ट आफ्टर जंप, तो साहब ये जो वेलोसिटी दिया हुआ है मतलब कूदने के जस्ट बाद, कूदा है तो जस्ट बाद बोल रहा है, तो जस्ट बाद उसकी रफ्तार 5 मीटर प्रति सेकंड दी है। दो तरीके से क्वेश्चन दिए सकते हैं, मतलब हम समझिए, हम समझा रहे हैं, समझो न्यूमेरिकली कैसे बनेगा। क्वेश्चन कहा कि साहब आपसे ये क्वेश्चन पूछा कि एक आदमी, एक जैसे ट्रॉली है वी नॉट रफ्तार से चल रहा है
और एक आदमी उस ट्रॉली से राइट हैंड साइड में कूदता है, मतलब वीर अवतार से। कितने अवतार से बेटा? वीर अवतार से। तो कह रहे हैं क्या कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली व्हेन आफ्टर जंप ऑफ मैन। अरे हाँ ना दबो, अब तो ध्यान से इस क्वेश्चन में क्या बोलेंगे। तो साहब अगर ट्रॉली कांस्टेंट रफ्तार से जा रही है इसका मतलब नेट फोर्स जीरो। अरे हाँ ना बोल, पूरा सिस्टम पे ही नेट फोर्स जीरो है। कूदेगा तभी नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, कूदेगा तभी नेट फोर्स जीरो होगा, सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो होगा ना। तो हम क्या लिखेंगे कि एफ नेट जीरो तो बराबर पी इनिशियल, क्या पी फाइनल लिखेंगे? ध्यान से देख दिक्कत कहाँ आ रही है। तो इनिशियल मोमेंटम, तो इनिशियली सिस्टम में क्या क्या था? ट्रॉली था और आदमी था। इनिशियली सिस्टम में क्या है? ट्रॉली और आदमी है। तो अगर ट्रॉली है और आदमी है तो ट्रॉली का और आदमी का टोटल मास यही हो जाएगा। और ये इनिशियली किस रफ्तार से जा रहे हैं? वी नॉट से। मान लो कि रेस्ट में दिया तो जीरो कर लेंगे। अगर इनिशियली साहब अगर ट्रॉली आदमी रेस्ट में है, रहा ना तो बोल, उसके बाद कूदा, तो इनिशियली मोमेंटम क्या है सिस्टम का? जीरो होगा, क्योंकि वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियली ये पूरा सिस्टम कितने वेलोसिटी से जा रहा है? वी नॉट रफ्तार से जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब आदमी क्या किया कि थोड़ी देर बाद कूद गया, ठीक है। अब कूदा तो वो वी दिया हुआ है। तो सोचो यहां पर ध्यान से देखो, जब कूदने के बाद, तो कूदने के बाद क्या होगा? कूदने के बाद ध्यान से देखना, यही आपकी ट्रॉली हो गई। कूदने के बाद इसकी रफ्तार कुछ अलग हो जाएगी, कूदने के बाद इसकी रफ्तार कुछ अलग हो जाएगी। और जब आदमी कूदा तो आदमी आ गया यहां पे, अरे हाँ ना तो बोल, उधर देखना, ठीक है। मान लो कि अपनी क्या है बेटा? ट्रॉली है। क्या है बेटा? ट्रॉली है। तो आफ्टर जंप की बात कर रहे हैं। हाई क्या है बेटा? बिफोर जंप। हाई जो सिचुएशन है किसका है? बिफोर जंप, मतलब कूदा नहीं है। और ये कह रहे हैं आफ्टर जंप की बात कर रहे हैं, कूद गया तो कूदेगा तो इस ट्रॉली की अपनी कुछ ना कुछ अलग रफ्तार हो जाएगी ना, बोल है ना। और जब कूद जाएगी तो आदमी तो कूदा है कुछ रफ्तार से, अरे आदमी कूदा है किसी रफ्तार से, तो आदमी कूदा है वो रफ्तार क्या माने थे? वी माने थे, अरे हाँ ना तो बोल। अब तो ध्यान सोचना, तो हम लिखेंगे सर पी इनिशियल बराबर पी फाइनल लिखेंगे, यही ट्रॉली की रफ्तार फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, वी निकालनी है हमको। अब तो ध्यान सोचना, तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? मास इनटू वेलोसिटी, तो मास टोटल मास हो जाएगा, मास टोटल मास सिस्टम पे क्या हो जाएगा? एफ स्मॉल एम कैपिटल एम का सिस्टम हो गया, और इन सबकी वेलोसिटी क्या है? ये भी वी नॉट से जा रहा है, ये भी वी नॉट से ही जा रहा है, तो ये वी नॉट हो जाएगा, बोल हाँ या ना। फाइनल मोमेंटम जब आप लिखिएगा तो फाइनल मोमेंटम किसे लिखेगा? तो साहब इस ट्रॉली का मास तो कैपिटल एम था, इसका मास स्मॉल एम था, तो ये हो गया इसकी वेलोसिटी तो वी हो गई, ग्राउंड फ्रेम से इसकी वेलोसिटी तो वी हो गई, प्लस आदमी का एम। अब इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? अब साहब ये किस रफ्तार से दिया हुआ है? ये भी ग्राउंड फ्रेम से दिया हुआ है, ये भी ग्राउंड फ्रेम से दिया हुआ है। अब ये किस फ्रेम में दिया हुआ हमको नहीं पता ये। अब जब तक क्वेश्चन बोलेगा ना उसी के बारे में उतना समझा रहे थे तीन को, इसी वी के बारे में आदमी किस रफ्तार से कूदा है, 5 मीटर पर सेकंड या वी मीटर पर सेकंड की रफ्तार से कूदा है, तो ये वी मीटर पर सेकंड किसके फ्रेम में दिया हुआ है? मतलब इसके ऐसे दिया हुआ है या ऐसे दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है। अगर ध्यान सुन, अगर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम देगा तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम देगा तो साहब अगर ये वेलोसिटी दिया हुआ है ग्राउंड फ्रेम से कि धरती के रिस्पेक्ट में 4 मीटर पर सेकंड रफ्तार से जा रहा है या वी मीटर पर सेकंड की रफ्तार से कूद गया, तो डायरेक्ट लिख देंगे इक्वेशन नंबर 1। ये जो इक्वेशन आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? अब निकल जाएगा सॉल्यूशन। अरे यार इक्वेशन बन गया ना जी, हमको यही ना वी निकालना है, बाकी सब तो दिया ही हुआ है, क्या हमारा वी नहीं निकलेगा? बोला है ना, चीज एकदम सिंपल है, चीज एकदम सिंपल है, लेकिन क्वेश्चन दे देगा तो हम वही चीज, कोई आपका सही भी हो सकता है, वही चीज गलत भी हो सकता है, क्योंकि साहब यहाँ पे तीन कंडीशन बनते हैं। किसके वेलोसिटी से? जो मतलब ट्रॉली चल रहा है उसी वेलोसिटी से कूद जाएगा तो वो ट्रॉली पर रह जाएगा। ट्रॉली में रह जाएगा।
दोनों का वेलोसिटी सेम है तो ट्रॉली पे नहीं कूद जाएगा, कूदेगा तो ट्रॉली पे रह जाएगा। आप ट्रेन कूदिएगा तो ट्रेन से बाहर चले जाते हैं, ट्रेन में रहते हैं, क्योंकि ट्रेन और आपकी रिफ्ट, आप ऊपर कूदिएगा तो ऊपर कूदिएगा तो आप ट्रेन तो उतने देर में बढ़ गया। अब ये सब चीज़ें अभी समझाने वाली बात नहीं है। इतना बात समझ में आ गई, बोल कोई दिक्कत? किसी वेलोसिटी कूदेगा, हम जितना मर्जी सुनने को दें नहीं। आइए, इतना हो गया, ये फर्स्ट फ्रेम के लिए, इसके लिए ग्राउंड फ्रेम के लिए हो गया। ट्रॉली से, हाँ ग्राउंड फ्रेम से देगा तब ना। हम बोले ट्रॉली जा रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड रफ्तार से, हम 2 मीटर प्रति सेकंड रफ्तार से कूदे विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, 12 हो गया यार। नहीं बस मेरी तो वही चीज़, यहाँ पे तीन तीन कंडीशन दे रहा है, वो तीन कंडीशन क्या दे रहा है उसको देखना पड़ेगा हम लोग को। बात समझ आ गई? का यही ना, भी है यही भी है सेम वे यही, ट्रॉली का कूदने के बाद उसकी रफ्तार हो जाएगी, वही निकालना ही है, यही भी निकालना है हमको, क्वेश्चन कराया जाएगा आगे। ये नहीं समझ में आ रहा है? अरे पहले ट्रॉली वी नोट से जा रहा था पूरा सिस्टम, जब कूदेगा तो आदमी ट्रॉली की रफ्तार कुछ अलग होने जाएगी, कूदेगा हम ट्रॉली को पीछे कर पुश करेंगे तो उसकी रफ्तार कुछ हो कम हो जाएगी, तो कम हो जाएगी तो वही कुछ हो गई, वी हो गई। अब जो कंडीशन इसी पे देता है कि ये जो कूद रहे थे किसके रिस्पेक्ट में कूद रहा है, बस समझ मारी? जल्दी इतने जीरोस कीजिए, फिर हम सेकंड नंबर इक्वेशन और थर्ड नंबर इक्वेशन बताते हैं। मिला रहे हैं हम बोला मोबाइल खराब हो रहा है, यूट्यूब सही आता है ना।
ठीक है। देख कह रहे हैं क्या कि इफ मैन जंप कूदता है विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, ट्रॉली के रिस्पेक्ट में कूदेगा वो तो ग्राउंड फ्रेम से हो गया, ग्राउंड फ्रेम से देखा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब करें क्या कि इफ अ मैन जंप विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, अब ट्रॉली के रिस्पेक्ट में कूदता है, करें केस वन उसमें हम बना रहे हैं क्या 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 कि वेलोसिटी ऑफ मैन इज गिवेन, जो आदमी की रफ्तार ये कूद रहा है उसकी रफ्तार जो गिवेन है जस्ट बिफोर द जंप, क्या बोला है जस्ट बिफोर द जंप, मतलब आदमी की जो रफ्तार कितनी दी गई बेटा, कितनी रफ्तार से कूदा है ये वी वेलोसिटी से कूदा है ना, लेकिन ये जो वी वेलोसिटी दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है जस्ट बिफोर जंप दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है जस्ट बिफोर जंप दिया हुआ है ना, तो ट्रॉली के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है ना। अब तो सोच कह रहे हैं क्या इसका मतलब, ये आदमी यहाँ पे कूदा है ये वी वेलोसिटी से कूदा है ना, बोल वो दिया हुआ है जस्ट बिफोर जंप, इसका मतलब क्या है ध्यान से देख, क्या पी इनिशियल बराबर पी फाइनल लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर P इनिशियल बराबर P फाइनल लिखे हुए तो पहले तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया टोटल मास इनटू वेलोसिटी और ये वेलोसिटी V नॉट, अरे बोल हाँ या ना, बराबर फाइनल फाइनल मोमेंटम क्या लिखोगे तो साहब कैपिटल M और ये फाइनली क्या हो गया बेटा उसकी रफ्तार अब V हो गई, कूदने के बाद उसकी रफ्तार कितनी होगी V, अब प्लस यही वी हमको निकालना है, ये भी हमको निकालना है, अब क्या होगा एम, अब साहब इसकी वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पे यू हो जाएगी तो नहीं हो जाएगी, हाँ वो क्या निकालेंगे तब रिलेटिव बनेंगे, तो सोचो कि यहाँ पे जो ये वेलोसिटी दिया हुआ है ये दिया क्या हुआ है, तो ध्यान से देख ये दिया हुआ ये दिया हुआ ये जस्ट बिफोर विद मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली दिया हुआ है, मतलब तो ध्यान से देख वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली यही नहीं दिया हुआ जी, वो जो वेलोसिटी दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू अब ट्रॉली हो गया, क्वेश्चन में दिया है कि आदमी कूद रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, बात समझ में आ रही, अब ट्रॉली के रिस्पेक्ट में कूदा तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बराबर क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिलेटिव में क्या करते हैं साहब पहले वाले पहले से बाद में घटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब हमको क्या चाहिए, हमको तो यही नहीं चाहिए वेलोसिटी ऑफ द मैन, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, अरे बोला है ना, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम बराबर क्या हो जाएगा साहब, ये इधर क्या आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली प्लस वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली, बोला है ना, और उधर आ जाएगा नहीं आया, नहीं समझ में कोई दिक्कत वाली बात, हमको यही पुट करना है, क्या पुट करना है आगे बात समझ में, आप तो सोच तब सोच वेलोसिटी ऑफ मैन बराबर वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली कहाँ गया, तो यही तो दिया हुआ है, अरे यही तो दिया हुआ है, इधर को पॉजिटिव ले डायरेक्शन लेना पड़ेगा, इधर को पॉजिटिव इधर को चलो अभी सब चीज पॉजिटिव इधर ही है, देख ये क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली क्या हो जाएगा वी, अरे बोलना फिर प्लस वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली कितना दिया हुआ है, आप देख यही चीज सुन, अब वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली दिया हुआ है, अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि वेलोसिटी ऑफ द मैन इज गिवन जस्ट बिफोर जंप, तो बिफोर जंप करेगा तो वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली वी नॉट हो जाएगा, आफ्टर जंप करेगा तो वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली वी हो जाएगा, यहां क्वेश्चन बनता है, नहीं समझ में आया, जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर जो हम बोल लेते वो क्या बोल लेते समझ में आया क्या, कि साहब यहां पे देख हमको लिखना है कि वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली प्लस वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली, तब जाके वेलोसिटी ऑफ द मैन निकलेगा, अब बोला है ना, अब आता है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली तो दिया हुआ यही वी दिया हुआ है, अब यहाँ पे कह रहे हैं वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली लिखना पड़ेगा, तो वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली लिखना है तो वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली का दो रफ्तार है, वी नॉट डालें कि वी डालें, अरे हाँ ना तो बोल, तो साहब क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ द मैन इज गिवन जस्ट बिफोर द जंप, तो कूदने का पहले ट्रॉली की रफ्तार, इसका मतलब वो ट्रॉली की रफ्तार ट्रॉली के बारे में बोल रहा है, कूदने का पहले ट्रॉली की रफ्तार कितनी है बेटा, काम खत्म, आप अगर नॉर्मली अगर थिंकिंग सोचिएगा तो ये अगर वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली दिया हुआ इसका मतलब इसमें इसकी रफ्तार जुड़ जाएगी, जैसे अभी बोले थे कि 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ट्रॉली जा रहा है, आप 2 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ट्रॉली में कूदिएगा तो कितना हो जाएगा 12, अरे बोलना ट्रॉली जा रहे हैं 2 की रफ्तार से आप 10 से कूदिएगा तो टोटल वेलोसिटी ऑफ द मैन कितना हो जाएगा 10 प्लस 2 क्या 12 मीटर प्रति सेकंड नहीं हो गया, क्योंकि 10 मीटर उसका भी ले लेंगे कोई दिक्कत वाली बात, तो हमेशा डायरेक्शन के साथ लीजिएगा, क्योंकि साहब ये भी इधर ही जा रहा है ये भी इधर ही जा रहा है दोनों प्लस में होगा, साइन के साथ यूज किया गया है ये जो एडिशन ये कौन सा एडिशन है वेक्टोरियल एडिशन हो जाएगा, अरे हाँ ना तो बोल, अरे वो है क्या वेक्टोरियल एडिशन कोई पढ़ा फैक्टर, अरे वेक्टर पढ़ा जीवन में वो वेक्टोरियल एडिशन है, अब हो गया तो इसलिए अब ये इक्वेशन हमारा क्या बनने वाला है बेटा ये इक्वेशन देखिए यही इक्वेशन यहां आ रहा है ये इक्वेशन लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे एम
प्लस एम इंटू वी नॉट बराबर कैपिटल एम इंटू वी प्लस स्मॉल एम इंटू वी प्लस, हो गया इक्वेशन नंबर टू। सेकेंड फॉर्मेट का क्वेश्चन बन जाएगा, ये विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली फ्रेम, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। आनंद की अनुभूति आई, अभी क्वेश्चन करेंगे तो और आएगा। ये वाला मिटा दे इधर वाला, अब ये क्या दिया बेटा, जस्ट आफ्टर जंप, क्या दिया जस्ट आफ्टर जंप। अब तो खुद बता, वो आफ्टर जंप में क्या होगा बोल, आफ्टर जंप का इक्वेशन क्या होगा, बस अब समझ में आ गया, शाबाश एक्सेलेंट। वी नॉट की जगह फिर सिर्फ क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, क्योंकि लिखिएगा सर पी इनिशियल बराबर क्या लिखोगे, पी फाइनल, बोला है ना बेटा, तो पी इनिशियल क्या हो जाएगा, टोटल मास ऑफ द सिस्टम का मोमेंटम, यही हो जाएगा। इनिशियली तो इसी वेलोसिटी से जा रहा था, फाइनल मोमेंटम देखिए, फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा बोल बेटा, ट्रॉली किस रफ्तार से गया, वी रफ्तार से नहीं, प्लस आदमी अब किस रफ्तार से जाएगा, यही निकालना है। तो साहब तो हम लिखते हैं, अब ये दिया क्या हुआ है, ये तो दिया हुआ है सर वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली दिया हुआ है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बराबर फिर से क्या लिखेंगे, तो वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, या वेलोसिटी ऑफ मैन बराबर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। तो तुम यही अर्थ फ्रेम से देता है, ये किस फ्रेम से है बेटा, ये अर्थ फ्रेम से, ये भी अर्थ फ्रेम, ये भी अर्थ फ्रेम, ठीक है। अब आइए, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली का मतलब क्या हो गया, वही दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, यही दिया है वी प्लस वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली। अब ये वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली क्या है बेटा, जस्ट आफ्टर जंप, तो आफ्टर जंप के बाद वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली वी हो गया है, तो वी हो जाएगा, यही हो गया वेलोसिटी ऑफ द मैन हो गया, वीएम का मतलब क्या है बेटा, वेलोसिटी ऑफ मैन। अब साहब इसमें कूदा देंगे, आदमी यही है ना, एम इसकी रफ्तार आ गई ये, तो सोचो क्या लिखोगे, अब यही इक्वेशन यहाँ आने वाला है, एम प्लस एम इंटू वी नॉट बराबर हो जाएगा एम इंटू वी प्लस एम इंटू काम खत्म।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ट्रॉली प्रॉब्लम खूब आते हैं नीट में भी। हेलो दवाई है कड़वा है, पीना तो पड़ेगा। एक बार समझ जाएगा तो कुछ नहीं है। अब तो समझ टफ लग रहा है जी। कह सर आप झूठ मूठ कितना हवा पानी मारे हुए थे, पहला कुछ नहीं है इसमें। इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर कर लेना। बहुत आनंद आ रहा है। हो गया डन। अब देख अब क्वेश्चन खत्म, अरे कॉन्सेप्ट खत्म, न्यूमेरिकल बना। मिस्टर शर्मा मिस्टर वर्मा करते रहिए। अब ये सब कॉन्सेप्ट एक तरीके से न्यूमेरिकल है नहीं। इसके बाद आएगा गन प्रॉब्लम। हाँ हाँ सब वही आएगा। इसके बाद आता है गन प्रॉब्लम, पहले इसको खत्म कर लेते हैं फिर गन प्रॉब्लम पे चलेंगे। तो गन प्रॉब्लम में भी रिक्वायर वेलोसिटी ऑफ द गन आती है, बहुत आता है रिक्वायर वेलोसिटी ऑफ द गन पूछता है। ठीक है आ क्वेश्चन लिखिए। कह रहे क्या कि एक ट्रॉली है इस ट्रॉली का मास मान लो 20 केजी है। अच्छा अभी आसानी कर लो। एक आदमी है इसका मास 60 केजी है। इनिशियली ये ट्रॉली रेस्ट में था। इनिशियली ट्रॉली किस में था? रेस्ट में था। क्वेश्चन पूछा कि फाइंड द वेलोसिटी इफ अ मैन जंप फ्रॉम द ट्रॉली विथ 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 5 मीटर प्रति सेकेंड जस्ट आफ्टर द जंप then find the velocity of trolley. After jump, कूदने के बाद velocity of the trolley क्या होगी? क्वेश्चन समझ में आया क्या अपने को?
कितना है? बहुत बढ़िया, देखते हैं, हमको नहीं पता आंसर क्या है। चल बेटा सॉल्यूशन देखेंगे, पी इनिशियल बराबर क्या फी फाइनल, इनिशियल बराबर पी फाइनल, तो इनिशियली मोमेंटम क्या हो जाएगा, तो एम प्लस एम, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो, सिस्टम की बोला है ना, फाइनली तो एम गया फाइनली, ये इनिशियल होगा बोलना बेटा, और फाइनली क्या होगा, तो साहब मान लेते ये ट्रॉली ये हो गई, और फाइनली इसकी वेलोसिटी हम मान लेते हैं इधर की ओर, इधर माने हैं इधर की ओर, और वो वी माने हैं, क्या माने हैं, वी, और आदमी यहाँ से कूदा है 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, तो एम इंटू वी, फाइनली देखो इसकी चाल हो गई वी प्लस स्मॉल एम इंटू, वो दिया हुआ है ट्रॉली के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, और दिया हुआ है आफ्टर जंप, क्या दिया हुआ है बेटा, आफ्टर जंप, तो इसका मतलब तुम सोचो कि साहब वेलोसिटी ऑफ मैन विथ वेलोसिटी ऑफ मैन बराबर क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली प्लस वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली, यही ना करोगे बेटा, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली कितने से कूदा है बेटा, 5 से, प्लस वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली कितना है बेटा, आगे की ओर माना है, और वो माना है वी, माना है कहाँ माना है वी, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ द मैन, कोई दिक्कत, तो इसका मतलब अब यही यहाँ पे हो जाएगा वी एम, नहीं अब आओ अब वैल्यू पुट कर देगा, तो या जीरो बराबर मास कितना दिया हुआ है 20 गुने इसकी वेलोसिटी कितनी दी गई है वी प्लस मास कितना दिया हुआ है 60 और इसकी वेलोसिटी कितनी दी हुई है 5 प्लस वी, तो या इधर आ जाएगा 20V माइनस का बराबर होगा, गुना कर दो 6×5=30 300 प्लस 60V ना, 0 0 सब में है खटा दो उसको, अब क्या करो उसको इधर ले आ, तो 8V हो जाएगा, तो माइनस का 8V बराबर क्या हो जाएगा 30, या V बराबर कितना हो गया -30/8 15/4, वेरी गुड, तो V बराबर आ गया -15/4 मीटर प्रति सेकेंड, V बराबर कितना आ गया बेटा -15/4 मीटर प्रति सेकेंड, अब माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि साहब ये जब कूदोगे तो ट्रॉली आगे नहीं भागेगा, तो ट्रॉली कहाँ भागेगा, पीछे भागेगा, बस समझ में आ गई आंसर, हमने माना ट्रॉली आगे जा रही है, आंसर आया नहीं जा रहा है सर, वही के तो रोइन मूव होगा, हाँ झुंझुना लिया होता नहीं तो मन लगी था, डन, एक और दो में बनाओगे, ये हो गया बेटा, एक और क्वेश्चन देखिए उधर क्या सबसे,
आए कह रहा है क्या, इस क्वेश्चन को बनाइए, बेहतरीन क्वेश्चन है, दिमाग लगाइएगा बन जाएगा, और आपसे बन जाए तो सबसे बढ़िया चीज है। कह रहा है क्या कि बाबू एक ट्रॉली था, क्या था, ट्रॉली के एक छोर पे एगो लड़का है और ट्रॉली के दूसरे छोर पे क्या है, लड़की। कह रहे लड़का का मास 60 केजी, लड़की की मास 40 केजी, ट्रॉली का मास 20 केजी ना 40 केजी, ठीक है ना, एक लिख लो 20 केजी, ठीक है ठीक है। क्वेश्चन समझिए, पहले पहले कहो कि दोनों में हॉट टॉक हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा, हॉट टॉक समझ में आ रहा है, हॉट टॉक नहीं समझ में आता, हॉट टॉक हो रहा है, हॉट टॉक मतलब दोनों में खूब गाली गलौज चल रहा है। नया कॉन्सेप्ट है, हॉट टॉक मतलब गर्म जोशी वाली बातें हो रही है, तो खून पी जाएंगे गाड़ी को जाएंगे, तभी दोनों में हॉट टॉक हो रहा था। हॉट टॉक होते होते क्या हुआ है कि साहब सबसे पहले लड़कवा कहा कि काम करो तुम कूद जाओ, और इनको ठेल दिया, कहा कि इतना प्रेरित किया इनको जम मार दिया, कहा जाओ तुम, तो बोल दिया था कि भागी 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, ठीक है। पहले फर्स्ट में ये कूदा, लड़की कूदी, पहले कौन कूदा उस पर भी निर्भर करता है, ठीक है। तो पहले में कौन कूदा बेटा, लड़की, और लड़की कूदी दाहिने साइड में, क्वेश्चन लिखा हुआ है, गर्ल्स जंप विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, किसके रिस्पेक्ट में देवो बोल रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, विथ रिस्पेक्ट टू TRO LLY, ये दिया हुआ है मान लो कि आफ्टर जंप, क्या दिया बेटा, आफ्टर जंप, ठीक है। अभी दे रहे हैं, अभी तो लो ट्रॉली जा रहे, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली, ये दिया हुआ है 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, ठीक है। अब तो ध्यान दे, अब जब पहली लड़की कूद गई तो पहले तो बड़ा कर भाई कूद जा, थोड़ी देर बाद जब बहु उसके बाद क्या हुआ, जब लड़की कूद जाएगी तो अकेला बच जाएगा, तो इसका ही मन नहीं लगा, कहा कि हम वो नहीं रही तो हम जी के क्या करेंगे। तो साहब ये कूदा, ये भी 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से कूद गया, लेकिन ये जो दिया विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, वो आफ्टर जंप है ना, ये बिफोर जंप। तो क्वेश्चन पूछा, समझ में आ गया, क्वेश्चन पूछा फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली, फाइनल वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, बन जाएगा, बन जाएगा आसानी से, बन जाएगा, करके देखो तुम लोग, हाँ अलग अलग पहले करना पड़ेगा। तुमको डिफरेंशिएशन डिकेशन पढ़ना ना, रिवीजन करो तब तक उसका, हाँ रिवीजन कर लो,
आधा घंटा में खत्म कर देंगे हम लोग। हाँ हाँ टेंशन नहीं। राइट हैंड साइड फाइनल वेलोसिटी। शाबाश। फाइव वगैरह का था वहाँ पे क्या लगा रिसेप्शन ट्रॉली आफ्टर जंप आफ्टर जंप नहीं लिखा हुआ है। कितने हैं तुम्हारा? नौ।
देखो सही है। देख लो कहीं गलती नहीं हो तो यही होगा। चेक तो यहीं पे ना करना है जी। ध्यान समझ ले बेटा क्या हमने पढ़ाया क्या समझाया, या ध्यान से सुन ले पहले, सुन ले बाद में लिखियो। कह रहा है क्या कि साहब पहले कौन कूदा, लड़की कूदी, तो लड़की के कूदने जैसी लड़की कूदी तो लड़की कूदी तो हमारी रफ्तार कुछ हो जाएगी भी, क्या हो जाएगी ट्रॉली की रफ्तार भी हो जाएगी और लड़की कूद गई, लड़की हो गई हवा में, ठीक है। तो अब तुम सोचो कि साहब इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम करेंगे, तो जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर जंप मोमेंटम कंजर्व होगा। तो तुम सोचो कि इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, तो इनिशियल पूरा सिस्टम ना है, लड़का लड़की ट्रॉली इस तीनों को मास हो गया इनिशियल सिस्टम, ये पूरा किस रफ्तार से जा रहे हैं 5 मीटर प्रति सेकंड, इनिशियल मोमेंटम लिख लिया, फाइनल मोमेंटम लिखना है। तो फाइनली बेटा सिस्टम में बच कौन गया, लड़का ट्रॉली यही ना बचे, लड़की तो कूद गई, तो अब लड़का और ट्रॉली का, ट्रॉली का रफ्तार मानिए वी से, इसका मतलब लड़का ट्रॉली दोनों वी के रफ्तार जाएंगे, इसका मोमेंटम ये हो गया। अब लड़की कूदी तो करे क्या, सर लड़की कूदी 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली आफ्टर जंप दिया हुआ ना, किसके दिया बेटा आफ्टर जंप, तो आफ्टर जंप दिया हुआ है, तो आफ्टर जंप करने के बाद ट्रॉली की रफ्तार अपन क्या मान ले रहे हैं, वी मान रहे हैं, जब कूद गया तो ट्रॉली की रफ्तार क्या हो जाएगी वी, अब बिफोर जंप में ट्रॉली की रफ्तार क्या होती है 5, लेकिन यहाँ पे 5 ना होकर क्या होगी, यहाँ पे वी होगी, 10+ V हो जाए। इसको अपन सॉल्व कर लिया, अपना वी ट्रॉली की रफ्तार आ गई 5/3 मीटर प्रति सेकंड, कोई दिक्कत। अब उसके बाद क्या करेंगे कि साहब अब फिर सब लड़का कूदेगा, तो लड़का कूदने के बाद फॉर्म देखेंगे फाइनल रफ्तार हमारी ट्रॉली क्या हो जाएगी, वी डैश आ जाएगी, मान लिया। अब तो लड़की नहीं ना जी, तो अब इनिशियली सिस्टम में कौन कौन सा था, तो इनिशियली ये ना हो गया, इनिशियली ये ना हो गया लड़का ट्रॉली जो कि 5/3 से जा रहे हैं, तो लड़का ट्रॉली 5/3 से जा रहे हैं, मोमेंटम हो गया इनिशियली। फाइनली तो फाइनली ट्रॉली कितनी रफ्तार से जा रही है, वीडा से जा रही है, माना यही निकालना है। और मैन का मास हो गया एम, अब इसकी वेलोसिटी देखना। तो कह रहे क्या कि साहब आदमी यहाँ है कि आदमी जो कूदा है 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर जंप, कूदने के पहले, अरे तो कूदने के पहले रफ्तार 5/3, कूदने के पहले बिफोर जंप, आज देखा ये कहाँ से लिख दिए जी, कूदने के पहले रफ्तार तो 5/3 थी, ये ना वो तो ठीक है, कूदने के पहले, तो कूदने के पहले आफ्टर जंप में ही होगा, बिफोर जंप जस्ट बिफोर जंप 5/3 होगा जी, अरे है ना बोल, गलती हो गया थोड़ा सा, मिसप्रिंट हो गया, क्या बोला यार ने 10 मीटर प्रति सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर जंप, अरे यार तब बिफोर जंप है तो कूदने के पहले इसकी रफ्तार कितनी थी 5/3 नहीं थी, कूदने के पहले रफ्तार कितनी थी 5/3 नहीं थी, तो हम कूदने के बाद वाला रफ्तार क्या है वीडेस मान लिए, अरे है ना बोल, तो यहाँ पे वीडेस ना होकर यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 5/3, आप लोग नहीं बनाएगा, आप लोग नहीं बनाए हैं, अच्छा पूरा उतार लिए हैं, आप लोग अपने सोल्यूशन नहीं किए हैं, आपका सोल्यूशन गलत है, ठीक है चेंज कर दे रहे, तो ये हो जाएगा आपका, मतलब समझ में आ गया ना आप लोगों को, ये वीडियस हो गई और ये हो गई, ये भी हो गई आफ्टर जंप, ये क्या हो गया बेटा आफ्टर जंप। अब तो ध्यान, आफ्टर जंप में हमको क्या चाहिए, तो देख वेलोसिटी ऑफ मैन चाहिए हमको, तो वेलोसिटी ऑफ मैन बराबर वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, तो वेलोसिटी ऑफ मैन कहाँ है, उधर कूदा है, उधर को माइनस लेंगे, अरे यार इधर को पॉजिटिव उधर को माइनस लेंगे, तो माइनस 10 हो गया, अब वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, ट्रॉली इधर माने, अरे यार हमने इधर माना है वो निकला निकालेंगे, तो वीडियस हो गया, तो क्या हो गया 10 - 10 प्लस वीडियस, मतलब वीडियस माइनस 10, सोल्यूशन कर लिया आंसर आ गया।
लेको कॉपी के दबा जल्द जोर जोर से फट फट के लगा ये सर टाइम हो गया मुसना हां एक को कौन नहीं देखा।